पानीपत हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हल्का ईसाने के गांव बिजावा में शराब की बोतल देने से मना करने पर युवक के घर में घुसकर बदमाशों ने लाठी डंडे से किया जानलेवा हमला। ईसाना गांव के हल्का बिजावा के रहने वाले सोनू का आरोप है कि गांव में पहले शराब का काम करता था, लेकिन अब उन्होंने काम बंद कर दिया है। गाँव के कुछ दबंग लोगों द्वारा उनके घर शराब की बोतल मांगने लगे, सोनू ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद दबंग लोग लाठी डंडे से सोनू के घर पहुंचे और घर में मौजूद उनकी माँ और पिता के ऊपर लाठी डंडे से पिटाई की और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोनू ने बताया कि उनके पिता की वारदात में टांग टूट गई, साथ ही सोनू ने बदमाशों पर उनकी माँ की चैन और कानों में बालियाँ टूटने का आरोप लगाया है। वहीं बता दें कि पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का मामला है, ये घर में घुस के मारपीट करी है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ। उनको कोई सामान खरीदने उसे चाहता था, वो पहले शराब बेचता था, उसने बंद कर दी, वो कहता था भी शराब दे, तो इसी बात को लेके उनका झगड़ा हो गया और चार पांच लड़कों को लेके उसके घर में चला गया, उसके साथ मारपीट करी है। तो उसमें FIR हमने दर्ज कर ली है और जल्दी ही हम उनको गिरफ्तार करेंगे। मेरा गाँव बिजावा जी थाना इसराना डिस्ट्रिक्ट पानीपत लगता है, जो कि कल शाम 5 बजे मेरे भाई को धमकी मिली कि पहले हम शराब का काम करते थे वो छोड़ दिया, अब तो बोले कि बोतल दे, वो बोला कि मेरे पास नहीं है भैया, तो जान से मारने की धमकी देने लग गए। तो हमने वो लड़के में लेते हुए कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने घर पे आके 10-5 लड़कों ने मेरे पापा को, मेरी माँ को, सबको पीटा। तो घर के जो घर पड़ोसियों को देख कर वो भाग गए मौके से। फिर 5-4 लड़के और एक्स्ट्रा आकर मेरे पापा को की बार गेट पे लात मार के निकाल के मेरे पापा की बारे के सामने घेर के टांग तोड़ दी, और जो कि CCTV फुटेज भी हमारे पास है, जो कि नजर आ रहे हैं उसमें गांव का ही है। मेरा एक प्रवीण है, प्रवीण सुनोप लाब सिंह, और दूसरा सचिन सुनोप हरपाल सिंह, तीसरा लड़का भी गांव का ही है, उसका नाम प्रमोद सुनोप रामफल का है लड़का है, और दो की उसके जो अन्य साथी हैं बाहर के, मैं उनको सामने आने पे पहचान लूँगा। तो आपने पुलिस शिकायत की है सर, पुलिस शिकायत से ही हम चाहते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमको न्याय मिले। और जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी और मेरी माँ की चैन और बाली भी तोड़ के ले गए हुए हैं, जो कि मेरे पापा का इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है।